हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेल्योर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं आपको टायर डिफेक्ट गेज या व्हील डिफेक्ट गेज व्हील पर कैसे लगाते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये मेरे पास एक व्हील डिफेक्ट गेज है, टायर डिफेक्ट गेज भी इसको नाम बोला जाता है। तो अब देखिए, मैं एक व्हील पर आपको इसको लगा कर दिखाता हूँ कि कैसे हम इस... चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसमें थिन फ्लेंज की बात कर लेते हैं। थिन फ्लेंज के लिए गेज किस तरह से लगाते हैं, तो ये हमने देखिए थिन फ्लेंज का गेज लगाया हुआ है, टायर डिफेक्ट गेज थिन फ्लेंज को चेक करने के लिए। ये हमारा फ्लेंज हो गया जिसकी थिकनेस हमारी टिप से 28.5 होती है। अब यहाँ पर गेज जो हमने लगाया हुआ है, तो अभी देखिए यहाँ पर हमें स्पेस दिख रहा है पूरा। अगर ये हमारा फ्लेंज जो है इसकी थिकनेस कम हो जाएगी, और कम होते होते 28.5 से अगर ये 16 mm या उससे कम हो जाएगी, तो ये जो हमारा गैप है ये भर जाएगा, ये जो गैपिंग है इसमें बैठ जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो व्हील में जो डिफेक्ट होगा वो थिन फ्लेंज हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं सार फ्लेंज। देखिए सार फ्लेंज के लिए गेज कैसे लगाते हैं। ये गेज को हमने लगाया, ये यहाँ पर एक कट दिया हुआ है, वो कट हमें इस तरह से गेज को इस तरह से हमने पकड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें हमें एक होल दिख रहा है, यहां से हमें देखिए इसको जूम कर दिया मैंने, और यहां से आपको लाइट आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ये वाला पोर्शन है, ये लाइट बंद हो गई यहां से। तो ये जो अगर लाइट यहां से आ रही है तब तो हमारा व्हील सही है, और अगर ये लाइट आनी बंद हो जाएगी, यहां पर नुकीला एक नाइफ जैसा, चाकू जैसे, एक धार जैसा हमारे किनारे का डेवलप हो जाएगा, तो वहां से हमें सार फ्लेंज हो जाएगा। देखिए गेज को किस तरह से लगाया हुआ, ये गेज लगाना है। इसको हमें एक चीज ध्यान देनी है कि ये जो वाला सरफेस है वो हमारा इसके पैरेलल होना जरूर चाहिए। ये सार फ्लेंज हो गया। अब हम फ्लैट टायर को देख लेते हैं, फ्लैट टायर किस तरह से होगा। देखिए ये हमने गेज को इस तरह से लगाया, ये जो गेज का जो हमारा फ्लैट पोर्शन है वो हमने व्हील के थ्रेड पर रखा हुआ है, और यहाँ पर देखते हैं कि इसमें हमें अगर गैप मिल रहा है तब तो हमारा इसमें फ्लैट टायर नहीं है, और अगर ये गैप हमारा खत्म हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन जो फ्लैट है अगर ये हमारा इससे टच हो जाएगा, तो हमारा व्हील में फ्लैट टायर डिफेक्ट हो जाएगा। इसमें एक कट मार्क बना हुआ है, ये जो कट है ये 50 mm का कट है, क्योंकि कोचिंग में जो हमारे व्हील्स होते हैं उसमें 50 mm की फ्लैटनेस पे हम कंडम लिमिट है, और वैगन में जो है वो 60 की है। तो अगर यहां तक भी पोर्शन अगर कोचिंग में टच हो जाएगा तो वो हमारा फ्लैट टायर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं डीप फ्लेंज और हॉलो टायर। ये देखिए गेज को हमें इस तरह से लगाना है, ये वाला जो हमारा सरफेस है ये इसके पैरेलल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पैरेलल है, और यहां पर ये जो हमें गैप दिख रहा है, अगर ये गैप कम हो जाएगा धीरे धीरे, ये क्या होगा, अगर हमारा यहाँ पर ये टैपरिंग होती है 1:20 की, अगर ये टैपरिंग खत्म हो जाएगी और यहाँ पर ग्रूव हो जाएगा, तो क्या होगा, ये हमारा कर्व सेक्शन उसमें बैठ जाएगा, और यहाँ पर गैपिंग जो हमारी ये खत्म हो जाएगी, और ये फ्लेंज है वो इससे टच हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारा डीप फ्लेंज हो जाएगा। और हॉलो टायर कैसे नापेंगे, हॉलो टायर के लिए देखिए ये पोर्शन यहाँ पर अगर ग्रुप हो गया, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे अभी हमें स्पेस दिख रहा है, ये इससे टच हो जाएगा, और ये पूरा गेज हमारे इसमें अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा हॉलो टायर हो जाएगा। हॉलो टायर की जो लिमिट है वो 5 mm का, 5 mm या उससे ज्यादा का गहरा गड्ढा नहीं होना चाहिए, जिस ग्रुप बोलते हैं वो ग्रुप इसमें डेवलप नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें लेस रूट रेडियस। देखिए गेज को हमें इस तरह से लगाना है, हमने गेज लगाया, यहां पर हम देखेंगे ये जो किनारा है, मैं इसको जूम कर देता हूं, ये हमने इसको जूम किया, यहां से हमें बीचों बीच बिल्कुल एकदम किनारे पे लाइट नहीं आनी चाहिए। अगर लाइट आ रही है इसका मतलब जो हमारा रेडियस है यहाँ पर फ्लेंज के रूट पे जो रेडियस है वो हमारा कम हो गया है। अभी फिलहाल आप इसको गेज को लगाना देख लें, गेज किस तरह से लगाया जाता है। तो देखिए ये हमने लेस रूट रेडियस के लिए गेज को इस तरह से लगाना है। अब देखिए हम थिन टायर को लगाकर दिखाते हैं कि थिन टायर के लिए हमें गेज किस तरह से लगाना है। तो ये हमने थिन टायर के लिए गेज को इस तरह से लगाना है, और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये हमारे यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, जैसे एफ बना हुआ है, देख लीजिए ये F है, ये M है, ये G है, ये S है। तो अलग अलग व्हील्स के लिए मार्क्स बने हुए हैं। अभी फिलहाल हमारा ये व्हील है, ये हमारा सॉलिड व्हील है, तो सॉलिड के लिए यहाँ पर F लिखा हुआ है। अगर हमारा मेन सेल रिंग या गलट रिंग वाला व्हील होता है या स्टड होता है तो इसके लिए अलग अलग है। जब ये F जो मार्क्स की जो इसकी लाइन है, ये लाइन जब यहाँ नीचे, इससे नीचे आ जाए,
तो हमारा जो व्हील होगा वो थिन टायर में कट जाएगा। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि व्हील का डाया कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में वो हमारा व्हील जो है वो डाया में कंडम हो जाएगा। तो गेज आपने देख लिया है, इस तरह से लगाना है। अब मैं आपको इन सारे डिफेक्ट को, क्या इनकी कंडमिंग लिमिट होती है और क्या न्यू साइज होता है, उसको मैं लिख के आपको बता देता हूँ।